वेलकम टू बेसिक कंप्यूटर कोर्स। और आज की इस क्लास में आप जानेंगे कि हमारे पास जो सैम्पल्स होते हैं वो किस तरीके से यूज होते हैं और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोस मैंने सारी जो हैं वो जो है ग्रुप बाय ग्रुप बनाई हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके, और आप जो है वन बाय वन करके जो है इसे देखिएगा ताकि आप जो है वो रेगुलर बेसिस पे देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आज की क्लास में हम बात करते हैं सबसे पहले इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, देखें सबसे पहले ये जो एरो का आपको क्लिक नजर आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लोग जो है मैट्रिक इंटर फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली है। किसी के लिए नोट्स बनाने हो या मतलब किसी भी तरह से आपको कोई फार्मूला चाहिए हो तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंटेन है, आप यहाँ से भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका अपना कोई फार्मूला हो और उस फार्मूले को आप जो है वो अपने जो है वो उसको मेंटेन करना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले जाना होगा इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर और उस पर आपको जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप जो है वो क्लिक करोगे अब आप जो भी क्वेश्चन चाहते हो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ भाई प्लस के साथ, ठीक है प्लस हम कर देते हैं प्लस 5 प्लस वापस से हम प्लस करेंगे प्लस 10 इक्वल टू, ठीक है। अब ये इक्वल टू क्या बना यहाँ पर हमारे पास बात आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम देना चाहें यहाँ पे 2 प्लस 5 प्लस 10 हमारे पास कितने बने, हमारे पास बन चुके हैं ये 17, तो हमने यहाँ पे 17 लिख दिया। तो इस तरह से जो भी मैथ्स का हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, आप हर तरह से इसमें काम कर सकते हो। आपके जो भी प्रैक्टिकल वर्क होता है मैथ्स से रिलेटेड आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से सारे जो है ना सैम्पल्स आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इक्वेशन है आपके पास, ऑटोमेटिकली यहाँ से आप जो भी इक्वेशन चाहते हो इक्वेशन ले सकते हो, यहाँ से आपको जो भी बेहतर लगता है वो इक्वेशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन होता है जिसके ज़रिए जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हम बात करें फ्रैक्शन के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में, रेडिकल के बारे में, इंटेग्रल के बारे में, लार्ज ऑपरेटर, जो भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन बनता है, जो भी आपका मैथ्स का काम है, जो भी आप जो है मैथ्स से रिलेटेड कोई भी वर्किंग करना चाहते हो तो आप जो है इक्वेशन के यहाँ पर आकर हर तरह का मैथ्स का क्वेश्चन आप आराम से ईजिली कर सकते हो। तो ये तो था हमारे पास जो है वो मैं कंट्रोल ए करके डिलीट का बटन प्रेस करूंगा सब कुछ गायब हो जाएगा यानी डिलीट हो जाएगा। तो ये तो था हमारे पास इक्वेशन, अब बात करते हैं सैम्पल के बारे में। सैम्पल क्या होता है, सैम्पल की मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग होती है कोई भी निशान, ठीक है, जिसको आप जो है वो जो है पॉइंट आउट करते हो, जिसके जरिए कोई चीज पॉइंट आउट हो रही होती है। तो यहाँ पे आप सैम्पल देखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह के जो है ना सैम्पल नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है मोर सैम्पल चाहते हो तो आप मोर सैम्पल पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको आपका जो करेक्टर होगा ना वो बिल्कुल चेंज होगा। एमएस वर्ड में बहुत सारी जगह पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो कहते हैं सर हमारे पास ये इस तरह के जो है ना वो सैम्पल नहीं आ रहे, अलग अलग टाइप के आ रहे हैं और अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। तो आपको उसके लिए एक मैं टिप दे रहा हूँ, वो आपको राइट डाउन ज़रूर करनी है। उसका नेम है WINGTINGS यानी विंगडिंग्स। आप जैसे ही लिखकर यहाँ पे फ़ॉन्ट के टाइप में आप लिखोगे विंगडिंग्स, जैसे ही आप करके जो है वो इंटर करोगे तो आपके पास ये सारे सिंपल वाले जो क्वेश्चन है यानी सैम्पल है वो आ जाएंगे। जस्ट लाइक मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भाई फ़ोन नंबर अपना देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर को सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, यहाँ पे फ़ोन आ चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड करके आपको दिखाऊँ, बड़ा करके, ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आए। यहाँ से मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये फ़ोन बन चुका है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई 0309 3937947। तो ये आप जो है वो बिल्कुल लास्ट में कर सकते हो, इस पर इंसर्ट पे आके इसकी पोजीशन जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास पोजीशन नहीं आ रही है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। हम व्यू के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर भी हमारे पास रिव्यू में भी नहीं है, मेलिंग में भी नहीं है, इट्स फाइन। अब जो है हम जो है होम पे आएंगे, होम पे आने के बाद इसे सेंटर करेंगे, सेंटर पे लाने के बाद इसे जो है हम जहाँ पर भी जो है वो लेना चाहें तो हम यहाँ से कट करेंगे और कट करने के बाद जो है हम यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है हमें या यहाँ पे हम जो है इसे पेस्ट कर देंगे। अब हमें जो है बिल्कुल लास्ट में मिलेगा ये, ठीक है ना। तो ये आप कहीं पर भी जो है वो इस तरह से सैम्पल, इसके बाद जो है आपके पास बहुत सारे सैम्पल हैं आप जिन्हें यूज़ कर सकते हो आसानी के साथ। अब देखो यहाँ पे पेन का है, कट का है, जो भी आप जो है वो यहाँ पे जो है इसे सिलेक्ट करके जो है आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इंसर्ट करोगे आप इसे जो है वो क्लोज कर दो,
ये देखो ये थोड़ी प्रॉब्लम करता है, सो इट्स फाइन, हमारे पास जो है वर्किंग जो है वो होती रहती है और ये विद इन अ सेकेंड आपके पास स्टार्ट हो जाएगा और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये जो हमने सैम्पल जो सिलेक्ट किए थे वो आ चुके हैं यहाँ से कट करके, और मैं यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर पे सैम्पल को देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं दे रहा हूँ ये छोटा आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी वर्डिंग छोटी की हुई है। यहाँ से आप जो इसका साइज़ जो है इंक्रीज कर सकते हो। तो ये आपने दे दिया इसे फ़ोन नंबर, आप ये देना चाह रहे हो कि भाई ये फ़ोन नंबर हमारे हमारा ये है। तो इस तरह के आप जो है मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी वर्किंग है, जितने भी आप जो है फार्मूला वगैरह यूज़ करना चाहते हो, तो आसानी के साथ यहाँ पर जो है आपको दिया गया है, आप आसानी के साथ यहाँ पे कर सकते हो। आप इक्वेशन आप जान चुके हो, सैम्पल आप जान चुके हो, इसकी प्रैक्टिस करो, हर एक एक सैम्पल को यूज़ करो अपने हर वर्क में कि भाई किस सैम्पल का किस तरीके से हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल डैश वन हमने कर दिया और इंसर्ट कर दिया, अब जीरो आ चुका है हमारे पास, अब हम जो है वन लेंगे इसे भी इंसर्ट कर देंगे, टू लेंगे इसे भी इंसर्ट कर देंगे, थ्री इंसर्ट, यहाँ तक कि 10 तक हम पहुँच जाएंगे। तो इसे जो है आप बड़ा कर सकते हो, जस्ट लाइक मैं इसे बड़ा करता हूँ। ठीक है, इंसर्ट में आके इसका थोड़ा सा साइज़ मैंने बड़ा किया और भाई मैं इसे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि भाई 0 पॉइंट पे हमारे पास ये है और जो है वो उस पे टू जो है वो नंबर वन पे हमारे पास ये है। तो इस तरीके से सैम्पल आप खुद क्रिएट कर सकते हो आसानी के साथ, बहुत ही आसान जो है इजी वे है हमारे पास कि हम जो है वो किसी भी तरह का सैम्पल और इक्वेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही बताना था आपको अच्छे तरीके से, और इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आज इंसर्ट का कंप्लीट हो चुका है हमारा और इंशाल्लाह अब पेज लेआउट पे बात होगी हमारी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत मेहनत से बनती है। तो काइंडली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें और हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।